बीएचयू के एक हॉस्टल में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। हॉस्टल में एक दलित छात्र के साथ बीएचयू के दूसरे छात्र ने न केवल मारपीट और गाली गलौज किया बल्कि उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। पीड़ित छात्र ने घटना की शिकायत बीएचयू के प्रोक्टोरियल बोर्ड से कर दी थी, जिसके बाद मामले की जांच करके पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि घटना बीएचयू के राजा राम हॉस्टल की है। घटना को जब अंजाम दिया गया था तब बिजली चली गई थी, जिसके बाद पीड़ित दलित छात्र ने अपने कमरे से निकलकर एमसीवी चेक करने को गया। आरोप है कि उसी समय बीएचयू के ही एक दूसरे छात्र ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। किसी तरह से पीड़ित छात्र वहां से भाग गया, लेकिन रास्ते में फिर उसे रोक लिया गया। वहां फिर से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। पीड़ित के साथ मारपीट के अलावा गाली गलौज भी की गई है। इतना ही नहीं, घटना को लेकर बोलने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। उसके साथ ही उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। रात में 2 बजे के बाद की बात है कि लाइट में पड़ रहा था और एकदम लाइट चली गई, तो मुझे लगा कि कोई एनसीडी की स्विच गिरा दिया होगा, तो मैं उसको देखने के लिए नीचे आया। और जब मैं नीचे आया तो सच में स्विच गिरी हुई थी। मैंने जैसे चालू की, उस पीछे से कोई आ गया और एकदम मुझे दीवार से धक्का दे दिया। और जैसे मैं क्या कहते हैं कुछ समझ पाता, क्या कहते हैं, मैं देखा कि कोई और है, तो मैं क्या भागने की कोशिश किया, तो भागने की कोशिश किया, वो मेरा क्या लोअर उतार दिया और मेरे साथ थोड़ा, मतलब मैं नहीं बता सकता, मतलब फिर मैं वहाँ से, मतलब क्या कहते हैं, अपना ये क्या कहते हैं रूम की तरफ, सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा, तब भी उसने क्या कहते हैं मेरा लोअर पकड़ा और मुझे खींचने लगा, तो तब भी मेरा लोअर क्या कहते हैं यहाँ तक नीचे उतर चुका था। तभी मैं जैसे ही अपने रूम पे गया, वो मेरा रूम खोदते हुए आ गया मेरे रूम तक, और जैसे ही मैंने रूम खोला, उसने क्या कहते हैं पूरा क्या कहते झापड़ बरसा दिया मुझे मुँह पे, ऐसा क्या कहते मारने लगा, यहाँ से आँख खून जम गया है और पूरा मुंह अंदर पूरा क्या खून खून हो गया था वहाँ से, पूरा मेरा खून निकल रहा था रात में। इतना जान से मारने की धमकी, और मुझे क्या कहते जान से मारने की धमकी भी दिया कि तू गुजरात से हो तो मतलब यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें बीएचयू के बाहर देख लेंगे, कहीं भी आओगे तो हम तुम्हें, उस तरह से धमकियाँ दी गई है मुझे। थाने पे कोई कंप्लेन वगैरह किया? हाँ सर, थाने के कंप्लेन किए हम और उसकी जांच चल रही है अभी। हालांकि सुबह होते ही घटना की शिकायत पीड़ित छात्र ने बीएचयू के प्रोक्टोरियल बोर्ड से की। इसके बाद मामले की जांच करके पुलिस ने दुष्कर्म सहित कई धाराओं में मुकदमा करके जांच शुरू कर दी है। पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के छात्र आशुतोष और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं पीड़ित छात्र मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।